हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था इस साड़ी से एक डिजाइनर फुल फ्लेयर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। आज के इस वीडियो में हम जो लेफ्ट ओवर साड़ी थी उसी से इसका टॉप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर ली है। ये है लाइनिंग का फैब्रिक है जिसमें मैंने 15 इंच लेंथ लिया है और शोल्डर इसका 16 है जिसको मैंने हाफ लेते हुए 8 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर 1/2 इंच डाउन लिया है जिससे कि हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ नेक बैक नेक है जिसकी चौड़ाई कम है, इस वजह से हम फुल शोल्डर की लेंथ ले रहे हैं और इस तरह से 1/2 इंच इसे ड्रॉप करेंगे। और यहाँ आर्म होल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 7 इंच इसका लिया है और चेस्ट 40 इंच है जिसको 4th पार्ट और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 11 इंच यहाँ पर मैंने मार्क लगाया। और इसकी वेस्ट लाइन पर 36 है जिसका 4th पार्ट लिया है 9 इंच और उसमें 1 इंच सीम अलाउंस के लिए भी एक्स्ट्रा लिया है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और इस तरह से हमने इसे जॉइन कर लिया और बैक नेक की डेप्थ हमने ओनली 1 इंच लिया है। इस तरह से उसे शेप दे दिया हल्का राउंड और ये हमारे बैक पोर्शन की कटिंग रेडी है, इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आर्म होल की लेंथ मेजर कर रही हूँ जो कि 18 इंच आर्म होल है जिसका 9 आना चाहिए और ये मेरा परफेक्ट 9 इंच आ रहा था। इस तरह से इसे हम अब कट कर लेंगे। ये बैक का पोर्शन रेडी है, अब हम फ्रंट का पोर्शन कट करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमें इसे अंगरखा स्टाइल में बनाना है, जिसके लिए मैंने बैक के पोर्शन को प्लेस किया है लाइनिंग के ऊपर। और यहाँ पर मैं वेस्ट लाइन के साथ 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरह से, जो कि ऊपर तक एक्स्ट्रा इंच होगा फैब्रिक। और इस तरह से हम इसे पूरा कट कर लेंगे। ये मैंने दोनों पैनल फ्रंट के कट कर लिए हैं, ये अंगरखा स्टाइल है इस वजह से हमने इसे यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है 4 इंच। और यहाँ पर मैं शोल्डर की चौड़ाई मेज़र कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो साड़ी लेफ्ट ओवर थी उसमें ये पल्लू का पार्ट आ रहा है जिसे हम यूज़ करेंगे योक के पार्ट में, और इसमें इस तरह के जो बड़े बड़े बूटे बने थे उसको मैं बैक के साइड में प्लेस करूँगी और ये जो दूसरी बॉर्डर्स की डिज़ाइन है उसे हम फ्रंट पर प्लेस करेंगे। ये यहाँ पर हॉरिजेंटल में है लेकिन जब हम इसे फ्रंट में प्लेस करेंगे इसको वर्टिकली प्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जैसे ये सिंपल सी साड़ी है लेकिन इसे इस तरह से डिज़ाइनर लुक देके किस तरह से डिज़ाइंस को प्लेस करना है उसको थोड़ा आप माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी सी खिल कर आती है। और इसके पल्लू में लास्ट एंड का जो पोर्शन था ये ब्लैक कलर का था और यहाँ पर इस तरह से बूटे बने थे। अब ब्लैक को भी हम नेक की साइड पर रखेंगे और यहाँ पर मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से और इसे थोड़ी सी फ्रिल टाइप की हमें यहाँ लुक देनी है और ये थ्रेड को मैं थोड़ा सा पुल करूँगी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हल्की हल्की सी चुन्नटें मिल जाए, प्लेट्स, हल्की हल्की प्लेट्स हमें मिल जाए। और जो यहाँ शोल्डर के साइड पर है उसे हम इस तरह से, ये देखिए मैंने यहाँ पर चुन्नटें लगा दी है और लाइनिंग में इसे ऊपर स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने वहाँ पर प्लेस नहीं किया। जो चुन्नटें हैं पूरी चुन्नटें हमारी लाइनिंग के साइड आ जाएगी और डाउन पर भी इसी तरह से पूरा फैब्रिक हमें एंड तक लेना है क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल है तो हमें यहाँ डाउन में पूरा फैब्रिक इस तरह से प्लेस करना है। यहाँ मैं डाउन को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर रही हूँ, जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हल्का हल्का नीचे में भी फ्रिल या चुन्नटे आप बना सकते हैं और एग्जैक्ट है तो मत बनाइए। इस तरह से हमने ये देखिए फ्रंट का यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि हमारा आर्म होल साइड है। ये बैक का पोर्शन मैं प्लेस कर रही हूँ आपको समझाने के लिए और ये आर्म होल जो मैंने अभी कट नहीं किया था और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो 4 इंच था ये भी इस साइड पर है। अब यहाँ मैं जो हमारी शोल्डर की चौड़ाई थी वहाँ पर जो मार्क लगाई, ये देखिए यहाँ पर मैंने चौड़ाई पर मार्क लगाया है और यहाँ एंड तक, फ्रंट में एंड तक इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे
और फिर इसी को हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे फ्रंट का पैनल। इस तरह से इसे हमने कट करना है। और पहले तो मैं यहाँ पर इसे स्टिच कर रही हूँ ताकि वो साड़ी का फैब्रिक अच्छी तरह से फिनिशिंग लुक आए और वो प्लेस हो जाए। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे, आर्म होल के साइड पर भी कट कर लेंगे। ये आर्म होल की साइड पर इसे हमने कट किया है और ये हमारे फ्रंट के पैनल रेडी है। इस तरह से सेकंड पैनल को भी मैंने सेम एज इट इज कर लिया है। अब ये जो साड़ी में बॉर्डर निकला था, क्योंकि हमने जो प्लाजो बनाई है उसमें बॉर्डर्स कहीं पे भी यूज नहीं की थी, उसी बॉर्डर को अब हम यहाँ पर नेक लाइन में डिटेलिंग देते हुए थोड़ी डिजाइनर नेक लाइन बनाएंगे जिसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। तो मैंने ये बॉर्डर है इस तरह से इसे मैंने पूरा अटैच कर लिया है, क्योंकि छोटे छोटे कहीं पीसेस थे तो उसको पूरा लंबा बना लिया है। अब इस पे मैं प्लेट्स बनाऊंगी जो कि फ्रिल का लुक दे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इस बॉर्डर को मैंने पहले प्लेट्स रेडी कर ली है पूरी। आपका भी अगर किसी इसी तरह का बॉर्डर है, सेम डिजाइन नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ साड़ियाँ में ऐसी डिजाइन रहती है, बॉर्डर की प्रिंट दी हुई रहती है, तो आप उसकी फ्रिल बना लीजिए। इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा लुक आया है। इस तरह से ये पूरी फ्रिल रेडी है जिसे हम अब हमारे फ्रंट के पैनल में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक का पोर्शन भी मैंने लाइनिंग के साथ साड़ी का फैब्रिक अटैच कर लिया है और अब इसकी शोल्डर लाइन हमें ज्वाइन करनी है। इस तरह से फ्रंट का पैनल दोनों साइड पर हम शोल्डर लाइन अटैच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल दोनों साइड अटैच हो गया है और इसके गले के एंड से इस तरह से हमें फ्रिल को अटैच करनी है, जिसके लिए अंदर की साइड में अगर थोड़ा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा 3-4 इंच डिस्टेंस छोड़ते हुए ऊपर से लगाया है, क्योंकि वो अंगरखा में एक साइड अंदर दबेगा एक साइड ऊपर दिखेगा। तो इस तरह से पूरी नेक लाइन में पीछे से लेते हुए आगे तक हम इसे लेते हुए जाएंगे और इसे प्लेस कर लेंगे। इस तरह से टर्निंग पे भी आप इसे हल्की सी टर्न करते हुए लेस को लगा सकते हैं। इसी तरह का और एक मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बॉर्डर को यूज किया था, जो कि साड़ी के बॉर्डर मतलब जो वर्क वाले बॉर्डर रहते हैं उससे भी मैंने एक नेकलाइन की डिजाइन बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिएगा, उसकी लिंक यहाँ ऊपर पॉपअप हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसे चेकआउट कीजिए। अगर आपकी उस तरह की साड़ी है तो आप वैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंथेटिक है, इसमें प्रिंटेड बॉर्डर्स रहते हैं, तो मैंने इसकी फ्रिल बनाई है। अब इसी के पीछे में फिनिशिंग लुक देने के लिए ये मैंने स्ट्रिप्स काटी है जो अब बैक साइड पर हम इसे अटैच करेंगे। ये इस तरह से मैंने उसी बॉर्डर के ऊपर प्लेस करते हुए फ्रिल थोड़ी अच्छी तरह से रखिएगा ताकि वो स्टिच में अंदर फोल्ड ना हो जाए और इसे हम पूरे में इसी तरह से स्ट्रिप को लगा देंगे। और ये फिर सामने की तरफ ये देखिए, इसको टर्न करते हुए बैक साइड में आप चाहे तो हाथों से भी इसे स्टिच कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे टर्न किया मैंने बैक साइड पर और ये हमारी जो बॉर्डर है उसको हल्का सा ये देखिए इस तरह से इसे हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देना है और ये हमारी सुंदर सी नेकलाइन। बहुत इजी तरीका है, आप ऐसे करके बहुत अच्छी सी नेकलाइन बना सकते हैं। और ये मैंने यहाँ स्टिच कर दिया है, ये देखिए बहुत अच्छा, पीछे में भी कोई थ्रेड्स वगैरह निकला हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और इस तरह से हम हमारे वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग इसे बॉटम में स्टिच कर देंगे एक। अब हमें इसकी फ्रिल बनानी है, जिसके लिए अब मेरे पास इतना ही फैब्रिक था। इसको मैंने अम्ब्रेला फ्रिल में बनाना था इसलिए मैंने इस तरह से इसे ट्राइंगल शेप में 4 फोल्ड किया है और जो बॉर्डर नीचे की तरफ आ रहे हैं उसे मैं यूज नहीं करूंगी और फ्रंट में मैं बीच सेंटर साइड में ये बॉर्डर को यूज करूंगी, जिसके लिए मैंने कमर का 4th पार्ट यहाँ पर लिया है
या तो आप अपने जो रेडी हुआ योक है उसको भी फोर फोल्ड में रखते हुए डायरेक्ट मार्जिन लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर 9 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेते हुए 9.5 इंच पर मैंने यहाँ वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग मार्क लगाया है। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि दोनों साइड इक्वली मार्क लगने चाहिए ताकि वो हमारी अम्ब्रेला फ्लेयर अच्छी सी लुक आए। और साड़ी का फैब्रिक थोड़ा अच्छे से आप ध्यान से कीजिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा ही अगर सिंथेटिक फैब्रिक है तो वो फिसल सकता है। और इस तरह से मैंने योक के पार्ट को भी फोल्ड करते हुए ये प्लेस किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ पर लेंथ हमारे पास इतनी ही है तो इसी की 25 इंच ये आ रहा है, उसको मैं लेते हुए पूरी राउंड में मार्क लगा दूंगी। इस तरह से 25 इंच का मैंने पूरा मार्क लगा दिया ताकि हमें कोई जॉइंट लगाने की ज़रूरत ना लगे। अगर ऐसा आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है लेंथ तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं या इससे थोड़ी कम लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला फ्रिल रेडी की और इसे हमें जो बॉर्डर है उसको सेंटर पे रखते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। अब इसके साथ मैं लाइनिंग भी अटैच करूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में इस तरह से बॉर्डर्स आने चाहिए। और अब लाइनिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर जो फोर फोल्ड में रखा हुआ है फैब्रिक और 22 इंच का मैंने यहाँ पर मार्क लगाया क्योंकि हमें जो साड़ी का फैब्रिक है उससे लाइनिंग कम चाहिए, तो यहाँ मैं 22 इंच ले रही हूँ। और इसका भी एक तरीका है इजी वे, अगर आपको कई बार समझ में नहीं आता मेजरमेंट तो आप इस तरह से जो आपका योक रेडी है उसके एक साइड की मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मेरा 19 इंच आ रहा है और इसका पहले मैं हाफ करूँगी। ये देखिए इस तरह से जो मैंने हाफ किया वो कुछ हमारा 9.5 के आसपास आ रहा था, तो इस तरह से एक साइड पर ये मेरा यहाँ पर फोल्डेड पार्ट है लाइनिंग का, उसको भी मैंने जो मेजरमेंट 9.5 आ रहा था उसका भी हाफ यहाँ पर रखते हुए एक मार्क लगा दिया है। और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच यहाँ पर मार्क लगा दिया। ये हमारे लाइनिंग का सेंटर का फैब्रिक है और इस तरह से अपोजिट साइड भी सेम मैंने वही मेजरमेंट का मार्क लगा दिया है और इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। और अब ये जो एक्स्ट्रा मार्किंग की थी वहाँ से हम इसे जॉइन कर लेंगे और इसको अब कट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमें टोटल 6 फैब्रिक्स मिलेंगे, 6 पैनल्स मिलेंगे, जो कि ये मेरे हाथ पर है वो बड़े पैनल्स है, डबल फोल्ड में है। ये देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड था तो ये सिंगल 2 पैनल ऐसे बने और ये जो दूसरे थे वो 4 फैब्रिक है जो हम साइड साइड पर लगाएंगे इस तरह से। अब इसे भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए सेंटर में जो बड़ा पैनल था उसको प्लेस किया और साइड में हम छोटे पैनल्स, और इस तरह से पूरा हमने लाइनिंग रेडी कर लिया है। और इसी को अब हम फ्रिल के साथ रखते हुए पूरे योक के पार्ट में सेंटर से स्टार्ट करेंगे इसको अटैच करना। यहाँ सेंटर से अब ही से मार्क कर दीजिए और यहाँ पर हम इसे इस तरह से जो कि साड़ी का फैब्रिक है वो साड़ी के फैब्रिक के ऊपर ही आना चाहिए। और जो ये साइड का पोर्शन है यहाँ पर मैं फ्रंट स्लिट ओपन रखूंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे दोनों एंड साइड पर। और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सेंटर पे और पूरा घुमाते हुए वापस सेंटर तक लेकर आऊँगी। इस तरह से इसे स्टिच करनी है ये। और ये हमारा मैंने स्टिच करके आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाया है और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। आपको अगर फ्रंट स्लिट ओपन नहीं रखनी है तो आप इसे पूरा ही पैक कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सरारा मीन्स प्लाजो लास्ट टाइम बनाया था उसके साथ यहाँ ओपन स्लिट बहुत ही अच्छा लग रहा था
तो इस तरह से मैंने उसे ओपन ही रखा है। और दोनों एंड साइड पर मैंने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया था, और इसके डाउन में जो फ्रिल है उसमें भी इस तरह से या तो आप पिको भी कर सकते हैं या उसको फोल्ड कर सकते हैं। और पूरा ओपन नहीं चाहिए तो हाफ में भी आप इस तरह से उसे स्टिच कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। इतना ही फैब्रिक अब मेरे पास लेफ्ट ओवर था, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि चलो ये ट्रायंगल शेप के दो फैब्रिक्स निकल रहे थे और ये जो दूसरा बॉर्डर था वो कहीं यूज हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ से हमें स्लीव्स निकालनी है। तो ये जो ट्रायंगल शेप का फैब्रिक निकल रहा था उसको मैंने एज इट इज रहने दिया, और हमने यहाँ पर ये देखिए 9 इंच जो कि चेस्ट का हमने यहाँ पर फोर्थ पार्ट लेते हुए मार्क लगाया और लेंथ यहाँ पर ली, और 3 इंच का डाउन कर दिया है मैंने स्लीव्स के लिए। बाकी टोटल लेंथ इसकी 11 इंच है। आपके पास जितना फैब्रिक है आप उतनी लेंथ लेके कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों लाइनिंग को जॉइंट करते हुए मार्क लगा दिया है, और यहाँ पर स्लीव्स का हल्का सा राउंड देते हुए इसे मैं फिर कट कर लूँगी। और लाइनिंग इसके साथ मुझे अटैच नहीं करनी थी, ओनली मैं यहाँ साड़ी का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। और ये फ्रिल स्लीव्स बनाऊंगी, तो आप जितनी भी लेंथ रख सकते हैं, मैंने यहाँ 11 इंच इसकी फ्रिल रखी है, और इस तरह से और एक मार्क कर दिया है, और इसे अब हम कट कर लेंगे। और हल्का सा एंड के साइड पर 1 इंच राउंड देते हुए भी कट कर लीजिएगा, और इसको भी किस तरह से हम सेंटर पे रखते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। और ये हमारी स्लीव्स बहुत ही सुंदर दिखेगी। जो भी आपके पास फैब्रिक बचा है उससे आप किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या सुंदर दिखे और बनाना है। यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से, इसे मैंने लगा ली है दोनों साइड की, और इसके एंड पार्ट को भी फोल्ड कर दिया है। हमारी सुंदर सी ड्रेस रेडी है। आप चाहे तो इस तरह की सिंथेटिक साड़ियों के साथ फुल फ्लेयर प्लाजो प्लस इस तरह का पेपलम टॉप ईजिली निकाल सकते हैं, वो भी प्लस साइज के लिए। बहुत अच्छा लुक देगा, और कई बार हमें पता नहीं चलता कि क्या हमारी एक साड़ी से हम पूरा ये पैर निकाल सकते हैं। तो इसी के बेस पे मैंने आपको ये नॉलेज देने के लिए बनाया था कि हाँ, हम प्लस साइज तक के लिए भी इस तरह की सिंथेटिक साड़ियों के साथ निकाल सकते हैं, और वो साड़ी के लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई साड़ियाँ अगर लेंथ में कम है, 5 मीटर है, तो थोड़ी फ्लेयर कम बनेगी, नहीं तो 5.5 या 6 मीटर की अगर साड़ी है तो ईजिली आप निकाल सकते हैं। ये मेरी 6 मीटर की साड़ी थी जिससे मैंने ये पूरा पैर ड्रेस ईजिली निकाल लिया है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका लुक भी बहुत सुंदर आया है, आप बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।